प्रदेश में 11 अगस्त को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से LDC भर्ती परीक्षा का आयोजन करवाया गया था और आज राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड इसका परिणाम निकाल सकता है, उसी को लेकर हम बातचीत करें। सर, आज LDC भर्ती का परिणाम निकाला जाएगा, उसको लेकर। तो आज अभी बोर्ड मीटिंग होगी दोपहर में और उसमें LDC का जो परिणाम निकाला जाएगा और हमारा प्रयास है कि शाम तक वो परिणाम हमारे वेबसाइट पर जारी कर दिया जाए। उसके अंदर शॉर्टलिस्ट होगा, जो अभ्यर्थी इसको क्वालिफाई करेंगे टाइप टेस्ट के लिए उनकी लिस्ट जारी की जाएगी। इसमें रोल नंबर्स ही होंगे अभी और उसके आधार पर बच्चों को पता लगे कि उनका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ टाइप टेस्ट के लिए। सर, बोर्ड की तरफ से टेबलेट टेस्ट का मॉक इंटरव्यू किया जा रहा आने वाले दिनों में, उसके लिए। सो जैसा मैंने बताया कि कल और परसों यानी कि 26 और 27 तारीख को टेबलेट टेस्ट का हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसका नाम है ऑपरेशन गोडावन। और हमारा प्रयास है कि हम जानें कि क्या टैबलेट टेस्ट पर परीक्षा लेना सुरक्षित है या असुरक्षित है। इसके लिए IIT कानपुर से और IIT मद्रास से दो टीम हमने बुलाई हुई हैं, इसमें दो फर्म इसमें हिस्सा ले रही हैं और हमारा प्रयास होगा कि यदि ये सफल हो जाता है तो हम टैबलेट्स के ऊपर टेस्ट कराएं, जिसको हम बोलेंगे TBT। TBT और CBT एक ही चीज़ है, सिर्फ CBT में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है और TBT में टैबलेट बेस्ड टेस्ट होगा। और दूसरा फ़र्क इसमें यह होगा कि जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है उसके लिए हमको प्राइवेट कॉलेजेस में वहाँ जाकर सेंटर बुक करने पड़ते हैं, लेकिन TBT के अंदर ये कार्रवाई हम करेंगे सरकारी स्कूलों के अंदर, जैसे हम आम परीक्षा कराते हैं और उसका उसकी जो रिलायबिलिटी होती है, सुरक्षा होती है, बहुत ज़्यादा होती है। प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर थोड़ा सा डर बना रहता है कि वहाँ पर कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, लेकिन हमारे जो सरकारी स्कूल हैं वो बिल्कुल सेफ होते हैं। यदि TBT पर परीक्षा यदि अच्छे से कर पाते हैं, ये परीक्षण सफल होता है, तो मुझे उम्मीद है कि इसमें क्रांति आएगी परीक्षा के कार्य में और फिर जो पेपर लीक की समस्या है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। काफ़ी पेपर बचेगा, काफ़ी फ्यूल बचेगा और इससे सुविधा होगी। मुझे उम्मीद है कि ये परीक्षण सफल होगा। सर, पशु सर भर्ती के एडमिट कार्ड जारी हुए हैं, लेकिन अब अभ्यर्थियों ने कहीं ना कहीं उनको राहत मिले कि उनके परीक्षा केंद्र उसी जगह दिए हैं, किस तरह से प्रयास किया? जैसे हमने पिछली बार प्रयास किया था CET सीनियर सेकेंडरी के अंदर, हमने कोशिश की थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, अभ्यर्थियों को उनका गृह जिला मिले और वो काफ़ी हद तक सफल भी रहा था और हमें उसी के तर्ज पर दोबारा हमने परीक्षार्थियों को उनके केंद्र दिए हैं। हालांकि इसके बावजूद भी कुछ एक परीक्षा केंद्र है जहाँ पर कि कुछ एक ज़िले हैं जहाँ पर हम अभी तक भी पूरी तरह सफल नहीं हो पाए हैं। जैसे बाड़मेर के जो अभ्यर्थी होते हैं उनको हम कोशिश करते हैं कि उनको, जो महिला अभ्यर्थी हैं PH कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं, उनको हम बाड़मेर में एडजस्ट कर पाएँ और जो नहीं कर पाते तो उनको और काफ़ी सारे पुरुष अभ्यर्थियों को हम फिर जोधपुर में एडजस्ट करते हैं और जो जोधपुर में एडजस्ट नहीं हो पाते फिर उनको हमने अभी एडजस्ट किया है इस बार बीकानेर में। पिछली बार उनको अजमेर दिया था तो कई अभ्यर्थियों ने अपना उसमें गुस्सा जाहिर किया था कि साहब अजमेर हमको सूट नहीं करता है, कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, तो हमको आप बीकानेर दें, तो हमने फिर बीकानेर को दिया। इसी माफिक और कई सारे ऐसे ज़िले हैं जैसे बांसवाड़ा है और सांचौर है, जालौर है, वहाँ पर कम हमने सीट ली है क्योंकि वहाँ पर अभी तक ये भरोसा नहीं हो पाया है कि परीक्षा साफ सुथरे तरीके से की जा सकेगी। तो मुझे उम्मीद है धीरे धीरे जैसे हर एक ज़िले की छवि सुधरेगी वहाँ पर ज़्यादा सीट मिल पाएंगे, उस माफिक फिर हम उन्हीं ज़िलों के अंदर परीक्षा करा पाएंगे जिससे ज़्यादातर अभ्यर्थी अपने गृह ज़िले में एडजस्ट हो पाए। परीक्षा में बैठने वालों को किस तरह का मैसेज? परीक्षा में बैठने वालों को मेरा बहुत सादा सा मैसेज है कि यदि आप अपनी मंशा अच्छी रखोगे, मेहनत से काम करोगे और बिना किसी टिपाई के या नकलबाजी के प्रयास से आप परीक्षा दोगे तो मुझे उम्मीद है कि आप जरूर सफल होगे और आपको फिर सफल होने के अंदर भी अच्छा लगेगा। यदि आपने गलत काम करके परीक्षा पास की, चाहे वो डमी बैठा के या कोई नकलबाजी करके या कोई परीक्षा लीक करने के प्रयास करके, तो आपको जीवन भर उसका असंतोष रहेगा, जीवन भर दुख रहेगा, जीवन भर आपको उसका डर सताता रहेगा। आप कभी भी अपने आप को माफ़ नहीं कर सकोगे और अपनी आंखें कभी अपने बड़ों से, अपने बच्चों से नहीं मिला पाओगे। तो आप सबसे मेरा अनुरोध है कि आप अपनी मेहनत से अपने बलबूते परीक्षा पास करें ताकि आप गर्व से अपना सिर उठाकर नौकरी कर सको। सर, अंतिम सवाल, Level 2 शिक्षक और फायरमैन भर्ती का रिजल्ट पेंडिंग पड़ा, उसके लिए? शिक्षक भर्ती का, तो शिक्षक भर्ती का जैसे बताया इस पर स्टे लगा हुआ है, हमारा प्रयास है कि जितना जल्दी हो सके स्टे हटे। उसके लिए हमने हमारे एडवोकेट्स को पाबंद कर दिया है और वो जो एक इसमें कुछ प्रक्रिया होती है, कुछ कार्रवाई होती है, कुछ समय लगता है, लेकिन मुझे उम्मीद है जल्दी हो जाएगा। और कौन सा बोला आपने? अकाउंटेंट भर्ती की आने वाले वो सब, वो तो 28, 29 और 2 तारीख को ये तिथियां हैं जो कोर्ट ने दी हुई हैं, उस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। सर, फायरमैन भर्ती का परिणाम भी पेंडिंग?
फायर में भर्ती का परिणाम में टाइम लगेगा, क्योंकि उसके अंदर अभी कुछ हमारे पास और रिपोर्ट आनी बाकी है जो कि डीएलबी से आनी है, उसके बाद ही हम पूरी कार्रवाई कर सकेंगे। थैंक यू। देखिए, ये थे हमारे साथ राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष मेजर आलोक राज, और इन्होंने तमाम जो लंबित मामले थे उसको लेकर सूचना दी है। मैं हूँ सुनील कुमावत, कैमरामैन सहयोगी रमाकांत शर्मा के साथ द नगरी मीडिया।